તત્કાલ એક એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવે અને એ એફઆઈઆર મજબૂત હોવી જોઈએ. કોઈ બી પ્રકારની છટકબારી ક્યારેય આ લોકોને ના મળે એ પ્રકારની હોવી ખૂબ જરૂરી છે. એટલે એ પ્રકારની એફઆઈઆર બને અને આમાં કોઈ બી બચી ના શકે, કારણ કે આ બાળકો જેના માતા પિતાએ ગુમાવ્યા છે તેમની માત્ર ને માત્ર એક જ માંગ અને એક જ પ્રાર્થના હોઈ શકે કે આ બાળકોને ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજા થાય, અને એ સજા થાય તે માટે વડોદરા પોલીસ દ્વારા આઈપીસી કલમ 304, 308, 114 મુજબ એફઆઈઆર દાખલ કરી લેવામાં આવી છે. બે આરોપીઓને પકડ્યા છે, એક આરોપી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને બીજા જે કોઈ આરોપીઓ છે તે લોકોને પકડવા માટેની અલગ અલગ ટીમો મુખ્યમંત્રીશ્રી અહીંયા પહોંચ્યા તે પહેલા બની ગઈ છે, અને અલગ અલગ ટીમોએ જે સ્થળો પર તપાસ કરવું જોઈએ અને જ્યાં કંઈક શોધખોળ કરવી જોઈએ ત્યાં અલગ અલગ આ 9-9 ટીમો લાગેલી છે. વડોદરાના હરણી તળાવમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ છે જેમાં 12 બાળકો અને 2 શિક્ષકોના મોત થયા છે. ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. તેમણે કહ્યું છે કે એમની ભૂલ નથી, એમનો વાંક છે. એમણે સેફ્ટી જેકેટ નહોતા પહેરાવ્યા, વધારે બાળકો બેસાડ્યા હતા. ગૃહમંત્રીએ શું કહ્યું આવો જોઈએ. આજ વડોદરા મેં શામ કો 4:45 બજે વડોદરા કી સનરાઈઝ સ્કૂલ કે વિદ્યાર્થી જબ બોટિંગ કરને ગયે, શામ કો 4:45 બજે જો બોટ મેં યે બચ્ચે બોટિંગ કરને ગયે થે, વો બોટ હારની લેક ઝોન મેં પલટ ચુકી થી. ઉસકે કારણ કુલ મિલા કે યે છોટે છોટે 12 બચ્ચે એવમ 2 શિક્ષિકાઓ ને અપની જાન ગવાઈ હૈ. ये घटना बनते ही कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर एवं एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के 60 से ज़्यादा जवान वहाँ स्थल पे तुरंत ही पहुँच चुके थे. और कुल मिला के ये जो घटना बनी वो घटना में 33 जितने लोग सवार थे जिसमें से 20 लोगों को बचा पाए और 14 जितने 12 बच्चे और 2 शिक्षिकाओं ने अपनी जान गंवाई है. गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इन सभी बच्चों को न्याय मिले, उनके परिवारजनों को न्याय मिले. किसी भी प्रकार की छटकबारी गैप इन दोषियों को ना मिले उसके कारण एक बहुत ही स्ट्रांग इंक्वायरी हो और इन सभी आरोपियों पे 304, 308, 114 की कलम लगाई गई है. 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है. इसके माध्यम से खास तौर पे ये इंक्वायरी डेप्थ में हो और खास तौर पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके इसमें क्या गलती रही है, किसकी भूल है, कोई भी गुनेगार इससे बच ना पाए, इसके लिए ये दोनों ओर की इंक्वायरीज चालू की गई है. आज वडोदरा पुलिस ने घटना बनते ही ये एफआईआर दर्ज करके 9 जितनी अलग अलग टीमें बनाई गई है. 2 लोगों को पकड़े गए, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले से लेके इसमें जो कोई दोषी है ये सभी लोगों को पकड़ा जाए, उसके लिए ये 9 टीम रात दिन आज काम करेगी. और इसके ये जो घटना बनी है उसके डीप तक जाके सभी लोगों को पकड़ने का काम करेगी. खास तौर पे ये बहुत ही दर्दनाक घटना है. इस प्रकार की घटनाएं जब बनती है तब सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी जो लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, सबसे पहले रेस्क्यू करना होता है,
उसके लिए एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है। उनके पास सभी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे और ये सभी लोग पहुंच चुके थे। साथ ही में जिनको रेस्क्यू किया जाता है वो बच्चों को सबसे पहले ट्रीटमेंट देना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। और खास तौर पे प्रशासन ने जब इन बच्चों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब घटना की जो साइज, मतलब जो बच्चों की जिस प्रकार की परिस्थिति देखी जा रही थी, उसको देख के प्रशासन द्वारा वडोदरा के प्राइवेट डॉक्टर्स को भी माहितगार किया गया और उन्हें रिक्वेस्ट की गई कि इस प्रकार की इमरजेंसी होने के कारण आप भी ये दोनों हॉस्पिटल्स में अगर ज़रूरत पड़े तो आप सर्विसेज के लिए ज़रूर से मदद कीजिए। वडोदरा के सभी डॉक्टर्स को खास तौर पे उनको मैं उनकी जो सर्विसेज के लिए जो उनका कमिटमेंट है वो भी बहुत बेहतरीन है। खास तौर पे सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल में पहुंच के ट्रीटमेंट देने के लिए उनकी तैयारियां दिखाई थी। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे पहुंच चुके थे। तो कुल मिला के प्रशासन की जो सबसे पहली जिम्मेदारी थी वो रेस्क्यू, रेस्क्यू के बाद ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के बाद काम चालू होता है। सबसे पहला घटना बनी कैसे, दोषियों को कैसे पकड़ा जाए और उनको पकड़ के उनको सख्त सजा कैसे हो, ये जिम्मेदारी जो है उसको लेके आज सरकार द्वारा ये FIR भी दर्ज की गई है पुलिस द्वारा, वडोदरा पुलिस द्वारा, और कलेक्टर द्वारा इनकी इंक्वायरी आने वाले 10 दिनों के अंदर करके सरकार को पेश की जाएगी। कुल मिला के ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और ये घटना मैं जब तक समझ पा रहा हूँ, मैं देख रहा था, जो दृश्य देखे वो दृश्य बहुत ही दर्दनाक थे। इसमें बोट चलाने वाले, बोट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो प्राथमिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उनकी क्लियर, मैं इसको भूल नहीं कहूँगा, मैं ये मान रहा हूँ कि उनका ये दोष है कि उन्होंने कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा बच्चों को उसमें बिठाया, साथ में मात्र 10 ही लोगों को सेफ्टी गार्ड पहनाया गया था। जिनको सेफ्टी गार्ड पहनाया था वो सभी लोगों को बचाने में खास तौर पे रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है, लेकिन जिनको नहीं पहनाया ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो प्राथमिक पहली जो नज़र से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजर्स इसमें प्योरली दोषी दिखाई दे रहे हैं और उन पे सभी एक्शंस लेने के लिए जो कोई टीम है और इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने काम चालू कर लिया। मुआवजा कुछ जाहिर किया गया सर? खास तौर पे प्रधानमंत्री जी द्वारा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ऐसे लोगों के लिए 2 लाख रुपए और जो इजाग्रस्त है जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनको 50,000 रुपए मुआवजा दिया गया और राज्य सरकार द्वारा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ऐसे परिजनों को 4 लाख रुपए और जो लोग अस्पताल में भर्ती है उनको 50,000 रुपए मुआवजा डिक्लेयर किया गया।